तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। तो याद रखिए, ये आपका लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने हमारे चारों ओर वायु देख ली थी। आज बात करेंगे कचरा संग्रहण एवं निपटान के बारे में। याद रखिए, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कक्षा 6वीं की हमें 4 बुक्स पढ़नी थी एनसीईआरटी की। पहली हम लोगों ने पढ़ी थी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के बारे में। फिर दूसरी बात की थी हम लोगों ने हमारा अतीत फर्स्ट। फिर बात की थी हम लोगों ने पृथ्वी हमारा आवास के नाम से, जो आपकी बुक्स है। और इसमें ये लास्ट चैप्टर है हमारा विज्ञान का। तो हमारी कक्षा 6वीं की जो भी एनसीईआरटी की जरूरी बुक्स हैं वो कंप्लीट हो गई। आगे हम लोग इसके बाद बात करेंगे कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि इन सभी बुक्स को एक कहानी की तरह पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आराम से समझ में आ जाती है। लास्ट में आप लोगों को इसके क्वेश्चन शब्द दिए होते हैं जो महत्वपूर्ण है, और निष्कर्ष दिया होता है। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए वो लास्ट के वो शब्द, तो एक बार और पढ़ें, उसके बाद कंप्लीट आ जाएगा। वैसे भी एक ही बार में आपका समझ में आ जाएगा। फिर आपका पढ़ने का नजरिया है, तरीका कैसा है। कचरा संग्रहण एवं निपटान। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल, जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं, प्रायः प्लास्टिक की थैलियों अथवा टीनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग है। कैसा बहुत उपयोग है, क्या हम इन्हें उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। इन वस्तुओं को भी हम लोग कचरे में फेंक देते हैं। दैनिक आपने जिन्हें कचरे में फेंक देते हैं, आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। हम प्रायः सार्वजनिक स्थलों पर, बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहां फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ये पेंसिल छीलता जाता है। हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है, तब पेज फाड़ कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे गांव, हमारे घर, घरों एवं आसपास से यह कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार से हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदान से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है, एवं फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है कि यह सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल जाए जिससे हम कोई हानि ना हो? क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास करेंगे। पहेली और बूझो के विद्यालयों के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा है उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में सीखें। एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को इस स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना था। ठीक, स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक, कब? 2 अक्टूबर 2014 को। कचरे का निपटान। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहां गहरे गड्ढे गर्त होते हैं, ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। वहां कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग न किया जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। इस प्रकार ये आपका भराव क्षेत्र। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयवों को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है, तब प्रायः इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जा सकता।
कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव चित्त के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या है? आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं। अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्रित कीजिए, फिर इसे दो समूहों में इस प्रकार पृथक कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हों। समूह एक में रसोई घर का कचरा, जैसे फल सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां, कागज की थैलियां भी इस समूह में सम्मिलित कीजिए। समूह दूसरे में कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियां, टूटा हुआ कांच, एल्यूमिनियम के रेत पर्स, कीलें, पुराने जूते एवं टूटे खिलौने। अब प्रत्येक समूह के कचरे को दो पृथक डेयरियों में बांट दीजिए। इन्हें ABCD से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की एक एक डोरी को प्लास्टिक की दो पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह कसकर बांध। मैदान में चार गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों और दूसरी डेरियों को पृथक पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। चित्र 16.2 की तरह ऊपर इस तरह। ठीक, 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी के हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना या उसमें कोई दुर्गंध ना आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विघलन हो गया। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इस प्रकार दो दो दिनों के अंतर पर इसका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को सुझाए अनुसार नोट कीजिए। क्या पूर्णता विगलित है? उसमें सुख दुर्गंध नहीं आती है कचरे में। आंशिक रूप से विगलित है, लगभग पूर्णता विगलित है, परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किसी डेयरी के कचरे का विगलन हुआ है और किसका नहीं हुआ? अपने परीक्षण के आधार पर सारणी 16.1 के कॉलमों में अपने विकल्पों 1, 2, 3, 4 को भरिए। आपने कुछ और परीक्षण भी किए हों तो उन्हें भी अपने नोटबुक में लिखना ना भूलें। जो कचरा विगलित नहीं हो पाता उसे जलाइए तथा फेंक जलाएं ये अथवा फेंकिए नहीं। यह कचरा पूर्णता विगलित हो गया हो, उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो, तो उसे उस मैदान में मिला दें जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपको पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। आपने इस क्रियाकलाप में यह निरीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीजें विगलित होती हैं जिससे खाद बनती है, जिसका उपयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विघटित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। याद रखिए, कंपोस्टिंग की परिभाषा समझाने के लिए कितनी कहानी गढ़ी गई है। समझ में आया? तो इसी कहानी में से आपको वो शब्द चुनना है जिसकी पूरा केंद्रित है, जिस पर पूरी कहानी आपकी घूमती है। ठीक है, बस यही है आपका। और क्या है इसमें? कुछ जानने लायक है भी नहीं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाएं दो प्रकार के कचरों को एकत्रित करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। प्रायः एक का रंग नीला और दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं एवं कांच। क्या आपने ध्यान दिया कि ये पदार्थ वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में विघटित नहीं हुए? हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्न पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्रित करने के लिए होते हैं। अपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णता विघटित हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप एक में किए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे दो समूह में पृथक करना क्यों आवश्यक होता है। क्या आपने सड़कों किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं? वर्धा इन्हें जला देते हैं। प्रयाग किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अवशिष्ट तथा भूसे जैसी अवशिष्ट अवशिष्टों को जलाते रहे। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। हम इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अवशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जाना चाहिए। पत्तियों को जिस तरह अगर आप खेत में जो अवशिष्ट बचता है उसे जला देते हैं तो वायु प्रदूषण होता है, उससे आपको भी खेती को भी नुकसान है और सभी जीव जंतुओं को भी। अगर आप इसे कंपोस्ट की
बनाकर अगर खाद बनाकर उपयोग करते हैं तो आपकी खेती के लिए भी उपयोगी है और हानिकारक भी नहीं होगा, किसी पर असर भी नहीं पड़ेगा। कचरे का निपटान, परियोजना की अवधि में पहली एवं बूझो द्वारा नोट किए गए प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार है। वास्तव में चोरी नहीं है, इसका अभिप्राय गैर कानूनी अथवा अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अवशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। वर्मी कंपोस्टिंग, हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने ही भी बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं? आइए यह पता लगाएं कि केंचुए की इस प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होते हैं। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग अथवा क्रेमी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप दो, मैदान में आइए, गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोदें अथवा कोई लकड़ी की बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो ना तो बहुत गर्म हो ना ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहाँ सीधे धूप नहीं पड़ती हो? आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुए के लिए आरामदार घर बनाते हैं। गड्ढे तथा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए और विकल्प के रूप में तली में रेत की एक अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के अवशिष्ट बिछा दीजिए। आप हरी पत्तियों, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा अथवा समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार पत्तों को काटकर भी पट्टियां बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज एवं कार्टन का उपयोग ना करें। इसमें रेत अथवा तार की जाली पर सूखे गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नम बनाइए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक ना हो वह बहने लगे। अवशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में अपर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बने रहें। इस प्रकार लाल केंचुए आपके हैं। अब आपको गड्ढा लाल केंचुओं के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल अथवा सब्जियों के अवशिष्ट, कॉफी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियों तथा खेत एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना है, अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अवशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुए को ना दें। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थ को धीरे धीरे मिलाते रहते हैं, इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहते हैं। लाल केंचुओं के लिए आहार है आपको। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करती है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उनकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुआ बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं की भली भांति देखभाल करते हैं तो एक मास उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी। 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते रहें। क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है? अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। समझ में आया? एक पूरी प्रयोगशाला बना के रख दी है, ठीक है। इस गड्ढे के किनारे पर आहार के रूप में कुछ अवशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों में को छोड़कर
गड्ढे किस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे? दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए, आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार, आप प्रयोग कर सकते हैं। आप गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि हैं, आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। इस उत्तम बर्मी कंपोस्ट खाद को आप अपने गमलों, बगीचों अथवा खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने वाले जैसा नहीं है? आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, वे बड़े बड़े गड्ढों में बर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत से धन की बचत भी होगी, जो आप महंगे रसायन उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते। सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है? इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रा के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्रित करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए। उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्रित कीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाती है? आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगरों की संख्या का पता लगा लें, तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होता है? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं, क्या यह सच नहीं है? आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहां के लोग बुद्धिमान हैं और जहां कचरा कम निकलता है। नानू छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है, तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई हुई विभिन्न चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइल बनाई हुई थी, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथिन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों में से एक डायरी भी बना रखी थी। एक दिन प्रयाता नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा, तो उसने देखा कि नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाड़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा कि नानी आप क्या कर रही हो, यह लेप क्या है? यह कागज की लुगदी है, इसके लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज से तैयार किया है, तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिला दी है। नानी ने उत्तर दिया, परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हो, नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया कि इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी, वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुई सभी कागजों को एकत्रित कर लिया था, और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया गया। वह किसी की भी कोई बात सुनना तक नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज की कुछ हैट खरीदी। उसमें दुकानदार से उन्हें एक पॉलीथन की थैली में रखने का कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथन की थैली ना देकर कागज की थैली दे दी। नानू ने बहुत सी चीजों जैसे टॉफियां, बिस्कुट भी खरीदे। उसे इन सभी चीजों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथन की थैली देने के लिए तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात ना मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को लेकर साथ लेकर घर पहुंचा। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे दे गए चमकीले कागज के हैट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया था, एक फोटोग्राम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसने सभी मित्र
अपने मुखौटे के साथ अपने घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित था, वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गए। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है, वह गांव के स्वच्छ एवं साफ सुथरा है, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं होते। परंतु अब उसने कचरे कचरा बीनने वालों वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक बहुत चढ़ाना शुरू कर दिया छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास एक दूसरे स्थान पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं, वो बच्चे हमारे सहायता कर रहे हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए कि वे एकत्रित किए गए इस कचरे का क्या करते हैं, इन्हें कहाँ ले जाते हैं, क्या वह अथवा उसका उसकी मित्र विद्यालय जाती है, यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच तथा धातु की वस्तुएं, प्लास्टिक की थैलियां, पुरानी नोटबुक को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है। क्या श्याम की भांति आप भी वैध कागजों से नए कागज बनाना चाहेंगे? इसे बनाना सीखेंगे, कागज का पुनः चक्रण देखते हैं। बताए, अब इतनी कहानी पूरी सुनाई गई है आपको। मुझे तो लगता है कि जो भी हमें किताबें पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी कहानी के रूप में हो, एक हमें अच्छा इंसान बनाने की सलाह दी जाती है। अच्छा इंसान, मानवता रखें, हम प्रकृति के खिलाफ ना जाएं, उसका सपोर्ट करें। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कागज का पुनः चक्र। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागजों को छोटे 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 टुकड़ों में फाड़िए। इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डुबा रहने दीजिए। अब इस भींगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीले लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए। जल के बाहर निकल कर जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। बहकर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यह आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारे पर कुछ भारी वस्तु रखें, जिससे वे मोड़ ना सकें। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण कर आकर्षण कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कागज का पुनर्चक्रण किया, वैसे ही हम हर वस्तु का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। बात करते हैं प्लास्टिक वरदान है या फिर अभिशाप। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। क्या आपने क्रियाकलाप एक में यह नोट किया था कि पॉलीथिन की थैलियां एवं कुछ प्लास्टिक विघलित नहीं होते? अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथिन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या के है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं, जैसे आपके खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल, जलपाई, इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी होगी। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्कूल के कुछ भागों के नाम बताएं? प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका आधिकारिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही
हो रहा है, यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्रायः ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती हैं। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वाले बालों द्वारा एकत्रित की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हम इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त कर दें। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है उत्पन्न कर सकते हैं। सरकार ने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आपने देखा होगा कि लोग प्रायः अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली भी को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर सावधानी पूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती हैं। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुँचा सकता है। प्लास्टिक के अतिरिक्त अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज की थैली उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। हमें प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी ना जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अवशिष्टों का विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज का पुनः चक्रित करें। हम कागज के दोनों ओर लिखें रफ कार्य के लिए स्लेट का उपयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छोटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। हम अपने परिवार मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक की जरूरत से ज्यादा उपयोग को काम कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए तथा चर्चा कीजिए। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। ठीक, तो ये था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। अगर आपने मन से सुना है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन मुझे पता है अपने आप पर लागू कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं बस हमें जरूरत है इसलिए पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो भी बातें लिखी रहती हैं उसका ना तो हम अपने ऊपर लागू करते हैं ना हम उनका मतलब समझना चाहते हैं। बस हमारा जो मतलब है उसे निकालते हैं और छूट जाते हैं उससे। अब इसमें हम लोगों ने प्रयुक्त शब्द देखे हैं हमारे अपशिष्ट, कचरा, भरावचित, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, पुनः चक्रण। ठीक है, ये आपका सारांश दिया गया। भरावचित वह स्थान होता है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्रित करके पाटा जाता है। कलांतर में इस क्षेत्र पर पार्क बना देते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण करना संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव है। हम कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के लिए उपाय खोजने चाहिए। ये आपके अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। इसकी PDF डली हुई है, ठीक है, टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लें।
चलिए, तो ये थे हमारे 16 चैप्टर कंप्लीट हम लोगों ने कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी बुक्स देख ली है साइंस की। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे कक्षा सातवीं की बुक्स देखेंगे। ठीक है, हमें कक्षा सातवीं में भी 4 बुक पढ़नी है। कौन कौन सी? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड, हमारा अतीत सेकंड, हमारा पर्यावरण और विज्ञान के बारे में। ठीक है,